हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक के लेसन नंबर 13 अनोखा बदला ये लेसन पाठ करेंगे। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि खेल मैदान में विपक्षी टीम के साथ धक्का मुक्की की घटना में घायल होने पर ध्यानचंद ने उससे कैसे बदला लिया। भारतीय हॉकी टीम की झोली में एक के बाद एक कई ओलंपिक के स्वर्ण पदक लाने का श्रेय इसी हॉकी के जादूगर को दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यानचंद जी की बात कही गई है। तो आइए देखते हैं, ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता शमशेर दत्त सिंह भारतीय सेना में थे। पिता के लगातार तबादलों के कारण ध्यानचंद कक्षा 6 से आगे विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने भी सेना में नौकरी कर ली। सेना में आने से पहले ध्यानचंद का हॉकी के खेल की ओर कोई रुझान नहीं था। आरंभिक दिनों में ये रेजिमेंटों के बीच खेले जाने वाले खेलों में भाग लेते थे। ऐसे ही किसी खेल के दौरान सूबेदार मेजर वाले तिवारी ने इन्हें खेलते देखा और इनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने इन्हें हॉकी खेलने की प्रेरणा दी। उसके बाद न्यूजीलैंड गई भारतीय हॉकी टीम, वहाँ पर उनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा। तो न्यूजीलैंड में भारतीय सेना ने टीम ने 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ रहे और केवल एक में ही वो हारी थी। इस तरह से ध्यानचंद की कहानी चलती रही। अब इनको जो कुछ स्मरण करने वाली कहानी है यहाँ पर उन्होंने वो दर्शाया है। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और मारपीट की घटनाएं प्राय होती रहती है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों में भी ऐसा था। यहाँ पर कुछ ऐसी बात बोला है उन्होंने। एक थी माइनर्स टीम, तो उसके खिलाड़ी ने ध्यानचंद से गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, उसके जो खिलाड़ी थे, परंतु वो ध्यानचंद जी से अपना गेंद नहीं छीन पा रहे थे। तो उस माइनस टीम के एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर ध्यानचंद जी के सिर पर हॉकी दे मारी थी और ध्यानचंद जी घायल हो गए थे। फिर उन्होंने पट्टी बांधकर दोबारा मैदान में खेलने के लिए तैयार हो गए। फिर यह सुनकर वो खिलाड़ी एकदम घबरा गया कि खेलते समय वो मुझे देखता रहता, और घबरा गया कि ध्यानचंद ने उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला ज़रूर लूँगा। तो ये बात जब ध्यानचंद जी ने उस खिलाड़ी से कहा तो उसके मन में एक डर बैठ गया। अभी कई ध्यानचंद भी उन्हें हॉकी से मारकर बदला ना ले ले, परंतु ध्यानचंद जी ने क्या किया, ध्यानचंद जी ने ऐसा किया कि एक के बाद एक पूरे मैच में 6 गोल कर दिए। तो इसी तरह से ध्यानचंद जी ने अपना बदला लिया। जहाँ भी जाता हूँ छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो नहीं है। हर किसी से यही कहता हो कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता के मंत्र है। अगर तुम लगन से खेलोगे, अगर तुम जिस किसी क्षेत्र में उस पर साधना करोगे और भावना अच्छी रहेगी तो सफलता ज़रूर मिलेगी तुम्हें। उसके बाद यहाँ पर 1905
में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरे रेजिमेंट का हॉकी के खेल में बहुत नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे, वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते थे। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय में सेना में लांस नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि सारे गोल मैं खुद ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती थी मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी उसी खेल भावना के कारण मैंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर तक का दिल जीत लिया था। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से यह पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं लांस नायक हूँ, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि उससे कहो कि वो जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। तो हिटलर ने भी उनको खेल भावना से बहुत प्रभावित हुए थे, हिटलर भी। अगला है, बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला ही, हिटलर ने भी अपनी ओर से मुझे एक पदक दिया था। इससे बड़ा गौरव किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूँ कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि भारत देश की है। और फिर उन्होंने एक दूसरा संस्मरण कहा, 15 अगस्त के 1936 का जो स्मरणीय एक दिन है उनके लिए, वो कहा, सुबह सुबह हम लोग ड्रेसिंग रूम में एकत्र हुए। हर किसी के चेहरे पर एक विचित्र प्रकार का भय था। अभ्यास मैच के पराजय से हर एक के दिल में दहशत बनी हुई थी। हर व्यक्ति इस मैच के परिणाम के बारे में विचलित था। हॉकी का फाइनल मैच ये तो 14 अगस्त को खेला जाने वाला था, लेकिन तेज बारिश होने से मैदान में पानी भर गया था। तय हुआ कि फाइनल 15 अगस्त को सुबह खेला जाएगा। अभ्यास मैच में जर्मनी द्वारा 1-4 से पराजय की कटु स्मृति और भीगे मैदान की प्रतिकूल परिस्थिति से भारतीय खिलाड़ी और मैं भी निराश हो गया था। टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता भी बहुत चिंतित थे। 15 अगस्त की सुबह चिंतित भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में पंकज जी ने खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा रख दिया और सबको ये कह दिया कि इसकी लाज तुम्हारे हाथ है। श्रद्धा से सभी ने उस तिरंगे की
तिरंगे को फौजी सलामी दी और मैदान में उसकी लाज रखने के लिए वीर सैनिकों की तरह उतर पड़े। भारतीय इस तरह जमकर खेले कि वे 8-1 से विजयी हुए। उस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रह गई। उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त ही भारत का स्वतंत्रता दिवस बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। और ये ध्यानचंद जी के जो जीवन की कहानी है यहाँ पर दर्शाया गया है। इसका जो प्रश्न उत्तर है वो आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।